नमस्कार मु सिद्धांत प्रिय दर्शक बंधु पुनर्बार आपण मानू जीवंत आहार को स्वागत जनाए आसतु आज ध्यान निम्ते पवित्र बाइबल रो विचारकर्ता 20 अध्याय एक पदरु सात पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग इस्राएली माने मिस्पीरे एकत्रित हेले। एठारे प्रकार लेखा जाए अनंतर दान ठारु बेरसबा पर्यंत गिलियद देश पर्यंत इस्राएल संतानगण समस्ते बाहर हेले और समग्र मंडली एक मनुष्य परी मिस्पीरे सदाप्रभु साक्षात एकत्रित हेले। परमेश्वर लोकगणर से ही समाज में इस्राएल समुदाय वंशीय लोक प्रधान वर्ग और 4 लक्ष खड्गधारी पदातिक उपस्थित हेले। तहु इस्राएल संतानगण जे मिस्पीकी जाइंट यह बिन्यामिन संतानगण शुणिले। इस्राएल संतानगण पचारे यही दुष्टता कि प्रकार है ताह मानू कह तहीं से ही हत स्त्रीर उपपत्ति उत्तर दे कहला मु और मोहर उपपत्नी रात्रि क्षेपण करने निम्ते बिन्यामिन रो अधिकारस्थ गिबिया को आसीथिलु। पुणी गिबियार लोक माने मो विरुद्ध रे उठी रात्रि रे गृह चतुर्दिगरे मते घेरिले मते सेमाने बध करबा को विचार कले पुणी मोहर उपपत्नी की बलात्कार कले तही रे से मला। तहु मु निज उपपत्नी को नहीं खंड खंड कर इस्राएल रो अधिकारस्थ प्रदेशर सर्वत्र पठाइली कारण से माने इस्राएल मध्यरे दुष्टता और मूढ़तार कर्म करी। देख हे इस्राएल संतानगण तुम्भे समस्ते ए विषय रे अपना अपना मत और मंत्रणा दियो। आसंतु आजिरो पठित शास्त्रांश को बुझिबा निमन्ते चेष्टा करिबा। बिन्यामिन वंश व्यतीत इस्राएल रो समस्त गोष्ठीर नेता माने प्राय 4 लक्ष सशस्त्र पुरुषों सहित यही घटना विषय आलोचना करिबा निमन्ते मिस्पीठारे एकत्रित हेले। लेबियो एक उपपत्नी ग्रहण करिबा एवं निज सुरक्षा पाई से ही उपपत्नी को अन्य मानक हस्तरे समर्पित देवा पाप को हृदयंगम करिबारे विफल हेला और केवल निजर क्षति और जंत्रणा विषय रे जणाइला। तापरे से नेता मानंकु एक संप्रदाय भावरे कार्य करिबाकु अनुरोध करितिला एवं तांको उपपत्नी जो समस्त जंत्रणा भोग करी लज्जार शिकार होइतेले तहार परिशोध गिबिया उपरे नेबा निमन्ते प्रवर्ताइतिला। आसंतु आजिरो शास्त्रांशरु ईश्वर आंभ मानकु कौन शिखेबा को चाहंती आम्भे माने शिखिबा निमन्ते चेष्टा करिबा। एक आउ दुई पद अनुसारे विचारकर्ता मानको समय रे कौनसी युद्ध वर्तमान परी सैन्य बाहिनी को नहीं हेउ नथिला किंतु अन्याय कारणरु हजार हजार लोकंको भिड़ क्रोधरे प्रज्वलित होई एक आरक को आक्रमण करुथिले। आमे प्रथमे वाक्य द्वारा बुझिबा उचित जे आमे जो विषय रे भाग नेबाकु बाछियछु ताहा ईश्वर को संतुष्ट करूछि। त 4-6 पद अनुसारे लेबियो तांको उपपत्नी को प्रति करितिबा दायित्वहीन अवहेला विषय रे सत्य को लुचाइला एवं केवल व्यक्तिगत क्षति उपर गुरुत्व आरोप यथार्थ दंड दाबी करिबा पूर्वरु से प्रथमे निजको परीक्षा करी निजर अंतर्निहित दुष्टता को बुझी अनुताप करिबा उचित थिला। आसंतु अन्य मानंको पाप उपरे क्रोधित भावरे प्रतिक्रिया व्यक्त करिबा पूर्वरु आमे निजे निजरो भूल और पाप गुड़ी को देखि तही प्रति आमे माने विवेचना करी अनुताप करिबा आवश्यक। आजिरो ध्यान रे प्रभु आम समस्तंकु आशीर्वाद करूँ। आसंतु आमे माने प्रार्थना करिब। मंगलमय प्रभु एई समस्त वाक्य जे तुमे आमानकु देइ अछ आमानकर शिक्षा निमन्ते एथिपाई धन्यवाद। प्रभु अन्यर दोष और दुर्बलता प्रति आक्षेप करने पूर्वर निज हृदय को परीक्षा निरीक्षा करने निम्ते आंभ मानक साहय करीशुं नाम मागुच आमेन।